आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब व्हाट इज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखते हैं। नंबर वन एल्डिहाइड्स, इन एल्डिहाइड्स कार्बोनिल कार्बन मीन्स दिस वन इज कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन आइटम देयरफॉर वी कैन राइट हियर CHO। देयरफॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज the functional group of aldehyde is CHO। next one, what is ketone? in ketones carbonyl carbon is bonded to different or identical to alkyl or aryl groups, therefore we can write here this one is our carbonyl carbon। इफ यू टेक आइडेंटिकल अल्किल ग्रुप क्या आ जाएगा, ये R बोथ अल्किल ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, और अगर हम लेते हैं डिफरेंट क्या होगा यहाँ पर दिस वन R1 और R हियर R R डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स। नेक्स्ट वन कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स, इन कार्बोऑक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप मीन्स वन OH ग्रुप, देयरफॉर वी कैन राइट हियर this carbonyl carbon is bonded to one hydroxyl group, then we can write here functional group or carboxylic acid is COOH। अब देखते हैं हम classification of aldehydes, ketones and carboxylic acids। classification of aldehydes, aldehydes are classified into two types, first one is aliphatic aldehydes, aliphatic aldehydes। इसे हम देखते हैं इस aliphatic aldehydes में जो carbonyl carbon रहेगा, carbon is sp3 hybridized, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और सैचुरेटेड कार्बन, इसमें हम देखते हैं कि जो रहेगा हमारा ये इसकी मोस्टली एग्जांपल लेते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, क्या लेते हैं हम CHO CH3 CHO, ये जो रहेगा कार्बन ये क्या रहेगा सैचुरेटेड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नेक्स्ट वन लेते हैं हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, सिंपल वन एरोमेटिक मींस
एल्डिहाइडिक ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, दिस वन इज कॉल्ड एज एरोमेटिक एल्डिहाइड। एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं इसे बेंजाल्डिहाइड। अब सेकंड वन लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। अगेन क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज एलिफेटिक कीटोन्स, अब देखते हैं हम एलिफेटिक कीटोन्स में कि जो रहेगा ये कीटोन्स ये ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, इस तरह से देगा हमें ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, अगेन क्या देगा हमें ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3, क्या वो हमारा ये एलिफेटिक कीटोन्स। नेक्स्ट हमारा रहेगा एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स, अगेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग। अब देखते हैं किस तरह से होता है ये, ये हुआ हमारा कीटोनिक ग्रुप, इससे अटैच्ड है डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। नेक्स्ट वन लेते हैं हम, अब इसमें देखते हैं हम एलिफेटिक कीटोन्स में इसकी भी सब टाइप है। नंबर वन है सिंपल और सिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन्स, सिंपल और सिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन्स। सिंपल मींस हमने देखा था इससे पहले कीटोन के जो रहेगा ये आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप से बॉन्ड रहेगा और डिफरेंट से, तो अगर रहता है आइडेंटिकल तो ये क्या कहलाएगा सिंपल और सिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन्स, मीन्स इसके बोथ साइड आइदर साइड सेम ग्रुप रहेगा, दिस वन इज सिंपल और सिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन। अगेन वी कैन राइट हियर CH2 CO C2 H5, ये क्या है बोथ CH3 आर आइडेंटिकल, अगेन C2H5 आर आइडेंटिकल, सो इज कॉल्ड एज सिंपल और सिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन्स। नेक्स्ट वन मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन्स, मिक्स्ड मीन्स डिफरेंट, मीन्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज बॉन्डेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, या CH3 ये क्या हो जाएगा C2H5, अगेन C6H5, अगेन इस तरफ क्या हो सकता है CH3, या CH3 C2H5 डिफरेंट, अगेन C6H5 CH3 डिफरेंट। अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज एलिफेटिक कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू वन कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप इज बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप, बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ये क्या हुआ हमारा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप किससे बॉन्ड होगा ये एल्किल ग्रुप से, मीन्स R C डबल बॉन्ड O और C
CH3 C double bond O, again C2 H5 C double O H होता है ये। अब देखते हैं इसी बेसिस पर अब जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा एलिफेटिक में ये किसी टाइम 1 रहता है 2 और 3 तो जो रहेगा 1 क्या कहलाएगा वो मोनो कार्बोक्सिलिक 2 रहेगा डाई और 3 रहेगा तो ट्राई। हम देखते हैं वन फर्स्ट एग्जांपल मोनो की क्या रहेगा ये CH3 C डबल मोनो H ये क्या रहेगा हमारा एसिटिक एसिड। सेकंड वन C डबल ओ एच ये क्या रहेगा हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ईयर 1 है मोनो ईयर 2 है डाई और बाय। नेक्स्ट वन CH2 CWH अगेन C अगेन OH हियर CWH CH2 ये क्या है ये 3 है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाएगा ये ट्राई कहलाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड टाइप है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड सेम क्या रहेगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग क्या होता है ये डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन किस तरह से हो गई ये दिस वन इज अवर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन। और क्या हो सकता है ये CWH हियर NO2 एंड नेक्स्ट वन ये क्या हो सकता है डायरेक्टली अटैच कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 तो ये वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।